अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद, मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आइए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है फार्माकोग्नोसिस से। फार्माकोग्नोसिस पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 2 है, इसका लेक्चर नंबर 11 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रोबेबली ये आखिरी लेक्चर होगा इस बुक का। ये बुक हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट टाइम हमने एल्कलॉइड्स से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो हमने एल्कलॉइड्स क्या होते हैं ये पढ़ा, एल्कलॉइड्स के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, फिर उसकी जो प्लांट्स हैं, रवुल्फिया पहला प्लांट था उसका, दूसरा प्लांट था उसका कैथरेंथस, फिर एफिड्रा, ओपियम, उसके बाद हमने पढ़ा नक्स वोमिका, उसके बाद सिंकोना बाग, हायोसाइमस लीफ और बेलाडोना। ये 8 प्लांट हमने पढ़े थे किसके, एल्कलॉइड्स के। उसके बाद है वोलेटाइल ऑयल्स हमने पढ़ा, उसमें फेनल पढ़ा, सौंफ, ज़ीरा, पुदीना, इलायची, दारचीनी, लौंग, ठीक है जी। तो ये करकुमा, ठीक है, जिसको हम अदरक बोलते हैं, सॉरी ये दूसरा है, ये जिंजर होता है वो अदरक, तो करकुमा। ये हमने 7 प्लांट्स पढ़े किसके, वोलेटाइल ऑयल्स के पढ़े थे। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था रेजिन्स, जिसमें टोलूबा, अच्छा इसके रेजिन्स की हमने बेसिकली 4 अलग क्लासिफिकेशन ग्रुप्स पढ़े थे, ओलियो रेजिन्स, ओलियो गम रेजिन्स, गम रेजिन्स, टोलू बालसम और टोलू बालसम, ओलेग रेजिन्स, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ये 4 हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। फिर उनने हमने आगे से उनके ड्रग्स पढ़े थे, टोलू बालसम था, सुमात्रा बेंजोइन था, एसाफोर्टिडा, कोलोसिंथ, हिंग, जिंजर। तो ये वाला हमारा फिर चैप्टर ख़त्म हो गया था। अच्छा, इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि हमारे इतने ज़्यादा जो हैं वो प्लांट्स हैं, इनको हम कैसे कवर कर पाएंगे, हर प्लांट्स की जो हेडिंग्स हैं ये तो भूल जाएंगी। तो वेरी सिंपल, मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने बनाना है एक टेबल, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख लेना है ड्रग नेम, ठीक है। बिलफर्ज हम लिखते हैं, सबसे पहले ड्रग हमने पढ़ी थी कौन सी, फेनल, फेनल लिख लेते हैं, ठीक है जी। फेनल का आप सबसे पहले ड्रग नेम, फिर उसका सिनोनम, इसको आम अल्फाज में क्या बोला जाता है, सौंफ। फिर इसका प्लांट नेम, का प्लांट नेम है फॉर्निकुलम वल्गैरी, फॉर्निकुलम वल्गैरी। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल क्लास, इसकी केमिकल क्लास है वोलेटाइल ऑयल। फिर हम पढ़ेंगे इसकी फैमिली नेम, फैमिली है इसकी अम्बेलीफेरी, ठीक है जी। इसका प्लांट यूज्ड पार्ट, पार्ट यूज, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है वो हमने लिख लेना, राइप फ्रूट, ड्राइड राइप फ्रूट। फिर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो है एनिथॉल, एनिथॉल है, फेनकॉन है, फेलेंड्रीन है, कैविकॉल है। लास्ट पे आ जाएगा यूजेस, कार्बिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, स्टिमुलेंट, ठीक है। अच्छा, इस तरह जब आप एक चार्ट बना लेंगे ना, हर क्लास का अलग, ये है वोलेटाइल ऑयल्स का, नंबर 1
प्लांट, नंबर टू ड्रग, नंबर थ्री ड्रग, नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन। तो जब इस तरह आप क्लासेस का एक चार्ट बना लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी रहेगी याद करने में, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से ये सारे के सारे प्लांट्स याद कर लेंगे। ठीक है जी, आइए आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स का। लेक्चर भी 11 है, चैप्टर नंबर भी 11 और प्रोबेबली लास्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आपने और भी काफ़ी जगहों में पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लें, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी प्लांट्स में होते हैं वो भी पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं विद एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम्स, जिनमें कम अज कम तीन कार्बन एटम होते हैं। दीज कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड कंटेन ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक जो एक अमल है प्लांट्स के अंदर, जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है, फोटोसिंथेटिक उसको बोलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये फोटोसिंथेटिक के अमल में बनते हैं और इनमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मालिक होना मॉलिक्यूल होना लाजिम होता है। रेशियो जो इन तीनों की होती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, वो बेसिकली 1:2:1 होती है, मतलब कार्बन का एक हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल बात करें तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, सुक्रोज एक एग्जांपल है और स्टार्च एक अलग से एग्जांपल है। सोर्स की बात करें, द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो प्लांट है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, और ये प्लांट में बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट्स को तीन मेन क्लासेस में हम लोग डिफाइन करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होती हैं, दीज आर द सिंपल शुगर एंड कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये सिंपल शुगर होती हैं और मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, मतलब इनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। केमिकल फार्मूला इज C1H2O1 whole bracket number। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज C6H12O6 ब्लड शुगर इसको बोलते हैं। दूसरी है फ्रुक्टोज C6H12O6 इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और तीसरी है पेंटोज C5H10O5। ठीक है जी, ये क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और पेंटोज। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या है, दे कंटेन द कार्बोहाइड्रेट विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स एंड द रेंज इज C1 to C10। दे कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू थ्री मोनोसैकेराइड्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये बेसिकली मोनोसैकेराइड्स के मिलने से एक मोनोसैकेराइड या दो मोनोसैकेराइड या तीन मोनोसैकेराइड या चार मोनोसैकेराइड्स ये आपस में मिलकर एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, और जिनकी रेंज एक से लेकर दस तक होती है, मतलब मैक्सिमम दस मोनोसैकेराइड्स मिलकर ओलिगोसैकेराइड्स बना सकते हैं।
अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स की बेसिकली दो सब टाइप्स हैं, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स के हार्मोन्स होते हैं और ये दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिले हुए होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी सुक्रोज, ये डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। थर्ड है पॉलीसेक्राइड्स, इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड बेसिकली उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलकर बहुत ज्यादा जो कंपाउंड बना रहे होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो है ये मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है इन स्ट्रक्चर, एंड दे आर नॉन शुगर और ये मीठे भी नहीं होते। इनकी जो एग्जाम्पल है वो स्टार्च एगर या पेक्टिन की है। अच्छा, मेडिकली वो प्लांट्स जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर वन है एकेशिया। नंबर वन क्या है, एकेशिया प्लांट। नंबर टू, अच्छा इसका जो एकेशिया ड्रग है इसका जो सिनोनिम है, मतलब इसके जो दूसरा नाम है या आम अल्फाज में जो नाम है वो है गम केशिया, गम अरेबिका। केमिकल क्लास है इसकी कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज, इसके जो प्लांट का नाम है, बोटेनिकल नेम है, वो है अकेशिया सिनेगाल। और अकेशिया सिनेगाल है गम केशिया का और केशिया अरेबिका है गम अरेबिका का। अच्छा, इसकी फैमिली का नाम है लेगुमिनोजिया और हासिल कैसे होता है, इट इज ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया सिनेगाल एंड अकेशिया अरेबिका। फैमिली है लेगुमिनोजिया, लेगुमिनोजिया। कलेक्शन, अकेशिया ट्री इज 6 मीटर हाई व्हेन वी कट स्टेम ट्रांसवर्सली, मतलब जो अकेशिया का दरख्त होता है वो 6 मीटर लंबा होता है और जब हम उसको ट्रांसवर्सली काटते हैं, फाइलम सेल कम आउट एंड बाय बैक्टीरियल अटैक द फ्लूम सेल कन्वर्टेड इनटू गम। और जब उसको ट्रांसवर्सली काटते हैं तो जो उसका अंदर फाइलम होता है वो ओपन हो जाता है। जब वो ओपन हो जाता है उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो जो फाइलम के सेल्स होते हैं बेसिकली वो गम बन जाते हैं। एंड देन इट इज स्टोर्ड इन लेदरी बैग फॉर 2 to 3 months। और फिर वो जो गम होती है उसको लेदर के बैग में हम लोग सेव कर लेते हैं, 2-3 महीने तक वो रख सकते हैं। करेक्टर, कलर होता है इसका डार्क ब्राउन। शेप इसकी होती है 1 to 3 इन डायमीटर एंड राउंड, 1 से लेकर 3 जो है वो इंच तक ये डायमीटर में होता है और राउंड गोल गोल होता है। कलर या ऑर्डर ऑर्डरलेस होता है, इसकी कुछ भी स्मेल नहीं होती। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है अराबीन, पहला क्या है अराबीन, जिसके अंदर मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम सॉल्ट और अरेबिक एसिड मौजूद होते हैं। मेडिसिनल यूजिंग इसके क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब इमल्शन आपने पढ़ा फार्मास्यूटिक्स में, तो जो इमल्शन है बेसिकली उसको इमल्सिफाइंग एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जरिए इमल्शन बनता है, तो ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। बाइंडर, जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। थिकनर इन जूसेस, जूसेस को थिक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिमल्सेंट, डिमल्सेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। सेकेंड ड्रग है हमारी ट्रेगाकैंथ, ट्रेगाकैंथ। आम अल्फाज में इसको गूंद कतीरा कहते हैं जी। केमिकल क्लास है इसकी कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल सोर्स जो है इसका वो है, इट इज ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम एक्सुडेट्स ऑफ द स्टेम ऑफ एस्ट्रागैलस गम्बीफर। तो जो खुश्क गम होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, स्टेम में से। किसके स्टेम में से, एस्ट्रागैलस गम्बीफर, ये प्लांट का नाम है जिससे हम
खुशक गम उसके स्टेम से निकालते हैं। फैमिली इस प्लांट की क्या है? लेगुमिनोजी। अच्छा, फिर ये कलेक्शन कैसे होती है, आइए इसको पढ़ते हैं। द ट्री इज 1 मीटर हाई, जो प्लांट होता है, दरख्त होता है, वो 1 मीटर लंबा होता है। एंड थॉर्नी ब्रांचेज ऑफ श्रब्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट व्हेन प्लांट इज 1 to 2 ईयर ओल्ड। तो थॉर्न का मतलब होता है कांटे, जो थॉर्नी ब्रांचेज होती हैं उसकी, श्रब्स की, श्रब होता है जड़ी बूटियों की, यहाँ पर प्लांट जो 1-2 साल पुराना हो उसकी, बाय ओल्ड प्रोसेस बाय कॉल्ड गमोसिस। तो उनको एक स्पेशल किस्म के प्रोसेस के जरिए गमिंग की जाती है, वो होती है गमोसिस। अच्छा, होता क्या है, व्हेन प्लांट, ये प्रोसीजर है, व्हेन प्लांट इज इंजर्ड द इंटरनल लेयर ऑफ पिथ इज कन्वर्टेड इनटू गम। जब प्लांट जख्मी होता है तो उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है, पिथ होती है, वो गम में कन्वर्ट हो जाती है। देन द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, फिर प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है। एंड स्वेल अप एंड थ्रो द गम ऑन द आउटर सरफेस। अच्छा, अगर बिलफर्ज हमने इंसीजन कर दिया ना, कट लगा दिया, तो प्लांट क्या हो गया, जख्मी हो गया। अच्छा, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहां पर गम प्रोड्यूस हो जाती है, वहां पर क्या होता है, गम प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जब प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस जगह से प्लांट फूल जाएगा। अच्छा, प्लांट जब फूलेगा ना तो फिर वो उस गम को बाहर की तरफ निकाल देगा। एंड बाय द रिएक्शन विद एयर इट बिकम हार्ड। और जब ये गम बाहर की तरफ आएगी, हवा के साथ मिलेगी, तो ये हार्ड हो जाएगी ड्यू टू द वेपोरेशन ऑफ वाटर, और वाटर उसमें से उड़ जाएगा। करैक्टर, खसूसियात, पेल येलो एंड ऑफ वाइट, पीला या ऑफ वाइट, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ऑफ वाइट जो कलर होता है ना, उस कलर का होता है। शेप डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंसिजन, जैसा कट लगाएंगे वैसी ही गम की शक्ल शेप बनेगी, ऑर्डरलेस, कोई खुशबू नहीं होती। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें से निकलते हैं वो है ट्रैगाकैंथिन एंड बैजरॉन। मेडिसिनल यूजेस, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, कॉस्मेटिक्स, डिमल्सेंट और फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। हमारी थर्ड ड्रग है, तीसरी ड्रग है एगर, तीसरी ड्रग है एगर। सिनोनम है इसका जापान एगर, इसको जापान, क्योंकि एगर ज़्यादातर ये जापान में ही है तो उसका नाम जापान एगर है। केमिकल क्लास है इसकी कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल सोर्स, ये किस प्लांट से हासिल किया जाता है, कौन सी चीज़ हासिल की जाती है, प्लांट का नाम है जेलिडियम कार्टिलेजिनियम, कार्टिलेजिनियम, ठीक है, ये बोटेनिकल नेम है किसका, प्लांट का। और इट इज ड्राइड हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये एक ड्राइड हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हम हासिल करते हैं प्लांट से। अच्छा, इसकी कलेक्शन कैसे होती है, अल्जी, अल्जाई, अल्गी इज कल्टिवेटेड ऑन कोस्ट एंड वॉश फॉर 24 आवर इन रनिंग वाटर। अच्छा, जो एल्जी है बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, जो समंदर का किनारा होता है वहां पर इसको कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। अच्छा, जब ये वहां पर बड़ा हो जाता है फिर इसको वॉश करते हैं 24 आवर्स के लिए चलते हुए पानी से। अच्छा, जब ये हो जाता है फिर उसको बीटन एंड शेकन, फिर उसको ऐसे हिलाते हैं, उसमें से जो शेल्स होती हैं, जो रेत होती है उसको अलग कर दिया जाता है। देन इट इज़ मूव्ड इन स्टीम हीटेड डाइजेस्टर फॉर 30 आवर्स, फिर इसको एक बहुत बड़े स्टीम हीटेड डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जाता है। ये एक मशीन होती है डाइजेस्टर, बेसिकली उसमें पानी होता है उसका ऑटोमेटिक, उसके अंदर उस पानी को गर्म करते हैं, पत्तों को डालेंगे या प्लांट को, जिसको भी डालेंगे वो उसको डाइजेस्ट करेगा,
पानी अपने अंदर हजम करेगा। तो फिर इसको स्टीम हीटेड डिजेस्टर में 30 घंटे के लिए डाल दिया जाएगा। टू एक्सट्रैक्ट केमिकल, वो उसमें से केमिकल निकालेगा। देन अ जेल लाइक मटेरियल इज ऑब्टेन। तो 30 घंटे के बाद एक जेल लाइक मटेरियल वहां से हमें हासिल होगा। टू रिमूव वाटर जेल इज फ्रीजेस, फिर उस जेल को हम फ्रीज कर देंगे तो पानी अलग हो जाएगा बर्फ बन के ना। आइस ब्लॉक ऑफ एगर इज ऑब्टेन, क्रश एंड मेल्ट इट एंड फिल्टर थ्रू अ वैक्यूम रोटरी सीव, एगर फ्लैक इज ऑब्टेन। तो फिर क्या होगा, पानी अलग एगर अलग, तो जो वो एगर फ्रीज हुई हुई है उसको हम लेके आइस ब्लॉक को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके उसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे और फिर हमें एगर हासिल होगी। करैक्टर, इसकी खसूसियात क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल वाजिया नज़र आ रहा होता है। शेप इसकी फ्लैटन शेप होती है। कलर इसका ऑर्डर, सॉरी कलर कह रहा हूँ, ऑर्डर इसका ऑर्डर लेस होता है, कोई भी इसकी ऑर्डर खुशबू वगैरह नहीं होती। केमिकल कॉन्स्टेंट इसके एगारोज एंड एग्रोपैक्टिन, एगारोज एंड एग्रोपैक्टिन। अच्छा, मेडिसिनल यूजेस की अगर बात करें तो वही मेडिसिनल यूजेस जो पीछे चलते आ रहे हैं केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहले इमल्सिफाइंग एजेंट, नंबर टू कैथार्टिक, नंबर थ्री डिमल्सेंट, नंबर फोर न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्चर। अच्छा, ये एक अहम बात है, माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा भी है कि बैक्टीरिया को जब लैब में ग्रो करवाया जाता है तो उसके लिए हमें कल्चर चाहिए होता है, तो एगर इज ऑल्सो द मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। लैक्सेटिव पहले भी बता चुका हूँ, कब्र कुशा। नंबर फोर ड्रग है इसकी स्टार्च, नंबर फोर क्या है, स्टार्च। केमिकल क्लास स्टार्च की है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज पॉलीसेक्राइड ऑब्टेन फ्रॉम सीड लाइक ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स, ऑब्टेन फ्रॉम सीड लाइक ग्रेन्स ऑफ प्लांट। मतलब पॉलीसेक्राइड जो है ये जो सीड की तरह के, बीज की तरह के ग्रेन्स है ना प्लांट के, उनसे हासिल होता है। अच्छा, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिखे हुए, जैसे कॉर्न स्टेज है, कॉर्न की उसको बोलते हैं छल्ली को, उसका बोटेनिकल नेम, उसके प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, जी मेज, जी मेज। फैमिली है उसकी ग्रैमिनिया, ग्रैमिनिया। अच्छा, फिर दूसरा है वीट स्टार्च, उसके प्लांट का नाम है ट्रेटिकम एस्ट्रिवम, फैमिली है ग्रैमिनी। फिर आता है राइस, चावल, चावल, राइस की जो बोटेनिकल नाम है प्लांट का वो है ओरिजा सैटिवा, फैमिली है ग्रैमिनी। और लास्ट पे आ जाता है पोटैटो स्टार्च, तो पोटैटो की जो फैमिली का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, और फैमिली है इसकी सोलनेशिया, फैमिली कौन सी है, सोलनेशिया। अच्छा, इसकी कलेक्शन और प्रेपरेशन कैसी होती है, तो सबकी अलग अलग कलेक्शन प्रेपरेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेज स्टार्च की। फर्स्टली द ग्रेन्स आर सॉफन बाय सॉकिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 4 days। सबसे पहला क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रेन्स हैं उनको हम नरम करने के लिए एक सल्फ्यूरिक एसिड में डबो देंगे, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड उसको सॉफ्ट करेगा। जब हम ग्रेन्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे 3 से 4 दिनों के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, देन द ग्रेन्स आर क्रश्ड टू सेपरेट द एम्ब्रियो एंड जर्म मिल्की फ्लूइड इज ऑब्टेन। फिर हम क्या करेंगे, 3-4 दिन बाद जब ये सल्फ्यूरिक एसिड में पड़ा रहा, नरम हो गया, फिर उसको हम क्रश करेंगे ना, तोड़ देंगे, उसको पीस देंगे, फिर उसमें से जो एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा और हमारे पास सारे का सारा एक मिल्की मिल्की जो है ना वो फ्लूइड बन जाएगा। टू सेपरेट स्टार्च एंड डाइल्यूट अल्कलाई सॉल्यूशन इज एडेड विच अब्सॉर्ब प्रोटीन, स्टार्च इज ड्राइड बाय फ्लैश ड्रायर। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, बेसिकली इसमें स्टार्च और प्रोटीन दोनों होते हैं ना, तो अगर हमने स्टार्च को अलग करना है तो हम अल्कली सॉल्यूशन को डालेंगे उसमें, किसको डालेंगे, अल्कली सॉल्यूशन को। तो अल्कली क्या करेगा, वो प्रोटीन को अब्सॉर्ब कर लेगा, और स्टार्च जो है वो हमें अलग से खुश्क मिल जाएगा।
फिर आएगा प्रेपरेशन ऑफ राइस स्टार्च। राइस स्टार्च की कैसे की जाती है प्रेपरेशन? फर्स्टली ब्रोकन राइस आर सॉफन बाय एडिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चावलों को नरम करने के लिए हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे, फिर इनको क्रश करेंगे, पीस देंगे एंड मिक्स विद वाटर और पानी में हल करेंगे। एंड टू सेपरेट स्टार्च द सॉल्यूशन इज कैप्ट ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। उसको पीसने के बाद हमने पानी में डाला तो फिर स्टार्च को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको ड्राई करेंगे 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो वो अलग हो जाएगा स्टार्च। फिर हम वीट स्टार्च की बात करते हैं। फर्स्टली टेक वीट एंड ऐड वाटर टू मेक टाउ। सबसे पहले हमने वीट को लेना है, उसमें पानी को डालना है और उसको डो बना लेना है। आफ्टर दैट मेक स्मॉल बॉल्स एंड ऐड इन वाटर एंड शेक इट। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं उसके, फिर उसको पानी में डाल के और शेक करना है। फिर लिक्विड स्टार्च इज ऑब्टेन्ड एंड सेंट्रीफ्यूज इट एंड ड्राई। तो फिर क्या होगा कि लिक्विड हमारे स्टार्च जो है वो हमारे पास आ जाएगा, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे और हमारे स्टार्च अलग से हमें हासिल हो जाएंगे। और लास्ट पे है पोटैटो स्टार्च हासिल करने का तरीका। फर्स्टली पोटैटोज आर वॉश। सबसे पहले आलुओं को धोया जाएगा, क्रश काटा जाएगा, पीसा जाएगा एंड सेपरेट सेलुलर डेब्रिस बाय रोटरी सीव्स, और फिर उनको रोटरी सीव के जरिए फिल्टर कर लिया जाएगा। देन ऐड वाटर एंड कीप ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, स्टार्च इज सेपरेटेड एंड ड्राइड। फिर उसमें फिल्टर करने के बाद हम पानी डालेंगे और उसको बड़े देर के लिए पड़ा रहने देंगे, और उस खड़े खड़े मतलब उसको पड़े पड़े क्या होगा, स्टार्च जो है वो अलग हो जाएगा और जो अलग स्टार्च होगा उसको ड्राई करके हम लोग सेपरेट कर लेंगे। करैक्टर खसूसियात क्या हैं जिसकी? इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन बॉयलिंग। ये ठंडे पानी में बिल्कुल हल नहीं होता और बॉयलिंग में ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता है। वाइट मैस, सफ़ेद रंग का मैस होता है इसका कलर। शेप इरेगुलर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसकी अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। मेडिसिनल यूजेज हैं इसके इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर, न्यूट्रिटिव, एंटीडॉट फॉर आयोडीन पॉइजनिंग, डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। ठीक है जी, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। और लास्ट हमारा टॉपिक है वो इस बुक का भी, इस लेक्चर का भी, वो है टैनिन्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पेल येलो टू लाइट ब्राउन अमॉर्फस सब्सटेंसेस। टैनिन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पीले रंग के लाइट ब्राउन अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और खास करके यूज कहां पर होते हैं? लेदर टैनिंग के लिए, फैब्रिक्स धागों को डाई करने के लिए, और इंक बनाने के लिए। इंक मतलब जो पेनों में डालते हैं। देयर सॉल्यूशन आर एसिड एंड हैव एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, एंड हैव एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। तो ये जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली एसिड होता है, और इनका जो टेस्ट होता है वो चुभने वाला होता है। पहला इसका जो ड्रग है वो कैटीचू, पहली ड्रग क्या है? कैटीचू। इसको सिनोनिम में कथा भी कहते हैं। ठीक है जी, कथा। केमिकल क्लास है इसकी टैनिन। इसके जो प्लांट है उसका नाम है अकेशिया कैटीचू, अकेशिया कैटीचू। हासिल ये कैसे किया जाता है? इट इज ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकेशिया कैटीचू। तो अकेशिया कैटीचू जो है एक प्लांट, उसमें से हम इसको हासिल करते हैं खुश करके। फैमिली है लेग्यूमिनोजी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके एका कैटीचिन,
क्वर्सेटिन, टैनिक एसिड्स। मेडिसिनल यूज है एस्ट्रिंजेंट, अप्लाई टू बॉयल एंड स्किन अल्सर। एस्ट्रिंजेंट बेसिकली होता है जो मतलब आपको जख्म आ जाए उसके ऊपर जो लगाते हैं ना, बेसिकली हल्का हल्का टिंक्चर टाइप, वो तो अप्लाई टू बॉयल एंड स्किन अल्सर। आपका अगर कोई चीज़ जगह जल गई है या वहाँ पर कोई जख्म बन गया तो उस पर भी लगा सकते हैं। डाइजेस्टिव, हजम, कफ, खांसी, डायरिया, जो आप मोशंस वगैरह लग जाते हैं। सेकेंड ड्रग है नटगॉल, बोटेनिकल नेम है कॉर्कस इन्फेक्टोरिया, केमिकल क्लास है टैनिन, फैमिली है फैगेशिया, केमिकल कॉन्सेंट्रेंट है गैलिक एसिड, और यूज़ है एस्ट्रिंजेंट यूज्ड इन बर्न। फिर है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मतलब ये एस्टर होते हैं किसका? ग्लाइसरॉल का। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इनके अंदर होती है, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर नहीं होते। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ बुखारात बन के उड़ जाए, ये नॉन वोलेटाइल है। और ये प्लांट से हासिल किया जाता है, किस प्लांट से? कैस्टर ऑयल, एलमंड ऑयल वगैरह, ठीक है। और एनिमल में कॉड लिवर ऑयल, एनिमल में कॉड लिवर ऑयल। दूसरी इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वह फिक्स्ड ऑयल आर मोस्ट कॉमनली यूज इन अरोमा थेरेपी। जो अरोमा थेरेपी होती है, खुशबुओं के साथ इलाज करना, उसमें इस्तेमाल होता है। ऑयल ब्लेंड टॉयलेटरीज, फूड एंड इंडस्ट्रीज। फिक्स्ड ऑयल आर नॉन वोलेटाइल, दे डू नॉट एवेपोरेट। वही लिख दिया उन्होंने, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ एक ही प्लांट पढ़ना है और वो है एलमंड ऑयल। एलमंड मतलब बादाम, बादामों का तेल। केमिकल क्लास है इसकी लिपिड्स, मतलब फिक्स्ड ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स, इसके प्लांट का नाम है प्रूनस अमेगडालस, ड्राइड राइप सीड, खुश्क पके हुए जो बीज हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली है रोजेशिया, रोजेशिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्फिंगोलिपिड्स। यूज फॉर मॉइस्चराइजिंग स्किन, आपने देखा लोशंस के अंदर भी आता है। यूज्ड इन एक्जिमा, मतलब अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन बन गया। एज फ्लेवरिंग एजेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ टॉयलेट आर्टिकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एज वहीकल फॉर ऑयली इंजेक्शंस, ऑयली इंजेक्शंस के अंदर एलिमेंट को वहीकल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड लैक्सेटिव, थोड़ा बहुत कब्ज कुशा भी होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म, ठीक है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर हमने फिक्स्ड ऑयल पढ़े, फिर हमने टैनिन्स पढ़ा, ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, हमारी बुक भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आइए इस बुक को हम एक बार जो है ना पूरा का पूरा ओवरव्यू करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा और ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये क्या करना होगा। बेसिकली फार्माकोग्नोसी जो है ये हमें टोटली प्लांट्स के बारे में जो है वो गाइड करती है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, फिर वो क्रूड ड्रग्स कौन सी हैं। अच्छा, फिर क्रूड ड्रग्स के प्लांट से क्रूड ड्रग हासिल कैसे होंगी, क्रूड ड्रग्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, ये सारे मामलात हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़े। पहला चैप्टर इसका था इंट्रोडक्शन का, जिसमें फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन थी, फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन, फिर इसका स्कोप क्या है। सेकंड ड्रग हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर क्रूड ड्रग का, कि क्रूड ड्रग होती क्या है, फिर क्रूड ड्रग की टाइप्स कौन सी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ी थी कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम, राइजोम, ये सारे प्लांट्स के हमने डेफिनेशंस पढ़ी टर्मिनोलॉजीज की, बार्क। फिर इवेलुएट कैसे किया जाता है क्रूड ड्रग को, मतलब क्रूड ड्रग क्या है, उसका फिजिकली क्या कलर है, फिजिकली शेप क्या है,
केमिकली कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, तो पूरा का पूरा एवेलुएट्स का तरीका बताया गया। फिर एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बता दिया उन्होंने, ठीक है जी। फिर हमारे पास कौन कौन से एंजाइम एज ए प्लांट क्रूड ड्रग मौजूद है वो हमने पढ़ा। हाइपर सेंसिटिविटी हमने एक ड्रग यहाँ पे पढ़ी थी, सॉरी ड्रग कह रहा हूँ, एक डिजीज़। हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है, ये कैसे कैसे फैलती है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, सॉरी चैप्टर नंबर 5 में। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 था, चैप्टर नंबर 5 हमारा एंजाइम का था और चैप्टर नंबर 6 हमारा फिर ये एलर्जी का था। चैप्टर नंबर 7 में हमने क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक पढ़ी थी। ये बेसिकली टेक्निक क्या थी कि हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इसमें क्रोमैटोग्राफी की कुछ टेक्निक्स थी वो हमने पढ़ी थी। फिर चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा था जो कि था एक्सट्रक्शन, कि हम एक प्लांट है उसका बिल्फर्ज हम एक पार्ट यूज़ करते हैं लीफ, लीफ के अंदर से हमें क्रूड ड्रग मतलब जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे निकालने होंगे। डिफरेंट प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे जिसमें इन्फ्यूजन था, डिकॉक्शन था, परकुलेशन था, मैसुरेशन था, डाइजेशन था, कंटीन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन था, ये सारे हमने डिटेल से ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस पढ़े थे। चैप्टर नंबर 9 से फिर हमारा प्लांट्स के ऊपर ये बुक जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई। तो पॉइजनस प्लांट्स पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया, GIT का पॉइजन करने वाला, CNS का पॉइजन करने वाला और CVS का पॉइजन करने वाला, ठीक है। तो फिर वो हमने प्लांट्स पॉइजनस पढ़े। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर्स में एल्कलॉइड्स का पढ़ा, उसके साथ हमने मुख्तलिफ पढ़े, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, टैनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, एल्कलॉइड्स, ये सारे प्लांट्स हमने पढ़े, ठीक है। इस तरह हमारा ये फार्माकोग्नोसी बुक जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस बुक को आपने बड़े अच्छे से याद करना है, ये बुक 60 मार्क्स का नंबर आएगा, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर आएगा आपका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसी बुक में फेल हो जाते हैं, इन इन प्लांट्स को याद नहीं करते, प्लांट्स की फैमिलीज को याद नहीं करते, फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस को याद नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। किसी वक्त भी कुछ भी समझना है तो हम उसे वेरी इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारी ये फार्माकोग्नोसी आज कंप्लीट हुई, मेरी तरफ से हमारे ये चैप्टर्स भी आज लेक्चर भी ख़त्म हुआ। तो मेरी तरफ से आप सबको अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।